Hey guys, welcome back to the channel. तो आज अभी शाम हो चुकी है एंड एज ऑलवेज हैरी उनको बुलाने गया और बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। और आज मैंने फाइनली अपने ब्रेसेस लगा लिए। नहीं ये देखो, क्योंकि एग्जाम्स में टाइम नहीं मिलता इनको साफ़ करने का, ब्रश तो हो जाता है क्योंकि बहुत जरूरी है। और इनको टाइम करने के लिए अलग सफाई चाहिए, इनको साफ़ करने के लिए अलग टाइम चाहिए सफाई नहीं, और इसलिए वो रह जाता है। इसलिए मैंने 4 दिन बाद आज लगाई हैं। एंड मेरे लिप सिंक में भाई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो सॉरी, क्योंकि अभी इसे मैंने ना कुछ कर सकता, ये तो मेरा वो है डेंटल क्लिनिक कह रहा हूँ भी, मुझे तो डालनी पड़ेंगी और वो भी आएंगे तो देखते हैं क्या करना है। एंड अब मैं भूल गया यार आपको क्या बताना था। इतना मैं पहले इसको पहले वो वाली बात बनाई थी, ये ब्रेसेस बता बैठा और अभी वो वाली बात भूल गया, पता नहीं क्या कहना था। चलो मैं सोच के आपको बताता हूँ। नहीं याद आ रहा यार, चलो कोई बात नहीं। एक और बात बतानी थी, वो ये तीसरी बात है, सेकंड वाइज हम भूल गए। और तीसरी बात ये है कि हैरी एक नया सा तेल लगाया, क्योंकि उसके थोड़े से ना बाल, यहाँ से एक बाल ऐसे कह रहा हूँ, एक बाल वो आया था वाइट आ गया। तो हमने फिर मॉम ने यहाँ से पूछा, यहाँ से ही इधर से ही होम्योपैथी वाले डॉक्टर थे हॉस्पिटल से पूछा कि इनका क्या है। तो उन्होंने कहा था अरनी का तेल, कोई ऐसा तेल है कोई ना, है ना, वो तो चल ले आए, पर डैड कोई और ले आए। और वो ऐसे उनका इतना गंदा वो वाली स्मेल है ना, उसकी दिमाग को चढ़ जाती है। और रात में सही दर्द से दुखने लग गया, और मॉम का भी, मॉम ने उसके मालिश की थी और वो सर दुखने लगे, पूरी रात नींद नहीं आई। फिर मैं 2 घंटे आज सुबह सोया और सीधा पाने ना उठे, सीधा उठकर बस पेपर ही दिया एंड पेपर के बाद ब्रश किया और रेडी हुए। तो अभी मैं आकर नहा लिया हूँ एंड अभी ना कर रहा हूँ, तो और बाद में नहाना नहीं है। शायद वो बात यही थी कि मैंने नहाना है, जब याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। और अभी मुझे जाकर नहीं नहाना पड़ेगा तो भी अच्छा, और मुझे ज़्यादा लिबड़ना मीन्स की इन्फेक्ट नहीं होना, कहीं मिट्टी लगा लें और वो हम ध्यान रखेंगे। एंड उधर से अमरिंदर आ रही है वहाँ से, एंड उसको भी हम लेते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी पे आ रही है, और वो भी आएंगे अभी, उनको भी देखते हैं वो कौन, नूर हैरी और काका। तो अभी मैं अमरिंदर को भी पकड़ता हूँ उसकी लैम्बोर्गिनी और ड्राइव करते हैं। गाइस हैरी तो बाहर आ चुके हैं, काका नूर अभी चाय पी रहे हैं तो अभी पी के आएंगे, और अभी बन रही है वहाँ पे, तो हैरी फिर बाहर आ गया। एंड अभी हम अमरिंदर के घर पर जा रहे हैं, हैरी भी अभी वहाँ पे चले गए थे। चलो गाइस अभी मैं घर पर जा रहा हूँ, गुरप्रीत मासी के घर से, अभी नहीं, ये मैं ब्रिंजल पकड़ाने जा रहा हूँ, ये मासी जी उनके लगी हैं ना, कल भी दिखाई थी जैसे सिनेमैटिक्स लिए थे वो वाली हैं, और अभी नूर को भी दे देनी है। और थैंक यू टू गुरप्रीत मासी, मैंने उनको भी कह दिया। और अभी घर पर ये ब्रिंजल पकड़ा कर फिर आता हूँ मैं वापस। इसमें बैंगनी बैंगन ब्रिंजल तो मैं पकड़ आया हूँ, और इतनी खास कारनामे नहीं हो रही अमरिंदर के घर पर जो मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। और काका यहाँ पे खड़ा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, पर मैं डरा नहीं, और अगर कुछ होता है तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो चलो बाकी सारे यूट्यूब भी चला रहे हैं, और मैं भी यूट्यूब भी चला रहा हूँ, मैं भी डाटा कर रहा हूँ, तो बस यही बताना था, देखते हैं। तो गाइस ये आप देखो कि कबूतर ये वाली तार पे कैसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ना ऐसे लग रहा है जैसे नाच रहे हो, आप देख लो भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने उनको ज़्यादा तंग नहीं किया, बस मैं आ रहा हूँ ये दिखा कर ही। और जो मुझे मैंने बात बताई थी वो मुझे याद आ गई है कि क्या था यार, मैं फिर उससे भूल गया इसे, यही बात की जा रही कॉम्प्लिकेटेड से मैं भूल जाता हूँ, पर याद आ चुकी है कि अभी ये वाला ब्लॉग मुझे पता नहीं कौन सा नंबर है इसका, बट जो इससे पिछला ब्लॉग है ना वो #35 है, क्योंकि मुझे एक बारी प्रॉब्लम होगी तो #32 और #32 दो हो चुके हैं, और एक #32 जो पहले वाला है और उसके अगले वाला 33 एंड 34 और 35 होगा, और ये नहीं मुझे पता कैसा है क्योंकि मुझे बार बार देखना पड़ता है क्या है। और एंड ये नूर की मेंटलिटी वो नो वेरी वेल, और ये पीछे अमरिंदर को भगा के लेकर आ रहे हैं मेरे बीच में, इसकी मेंटल एबिलिटीज तो आपको पता ही है। और अमरिंदर है हमारे साथ, इसको लैम्बोर्गिनी पर झूठे दे रहे हैं, और देखते हैं क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी पर मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आ गई आते आते, तो मैंने आपको बता दी। Oh no, oh no, oh no, 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 no.
से अमरिंदर के डैड ने चूही पकड़ी है इतने बड़े, और हमारी भी बहुत हुई पड़ी है। और एक बारी हम ये यूज़ नहीं करते केजी से, पता क्यों, क्योंकि एक बारी हम पहले लेकर आते थे बट एक बारी चूहे ने खोल लिया था ये, आई डोंट नो वाई, कैसे खोला मुझे नहीं पता। बट उसके बाद हम लेके आए एक ट्रैप बुक नाम की कोई चीज़ आती है, ट्रैप बुक नाम की चीज़ आती है जो कि मैं बताऊँगा, बताया आपको कि उस पर ग्लू लगा होता है एक टाइप का जो कि वैसे खुल जाता है, जिसकी जैसे बुक होती है ऐसे बंद, और वो ऐसे खुलकर सीधा हो जाता है, जैसे स्प्लिट होता है लातों का वैसे खुल जाती है। वो मैं आपको शायद दिखाऊंगा, शायद डैड मैंने आज डैड से मंगवाई क्योंकि बहुत तंग किया चूहे ने, और मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। और फिर वो होता है ऐसे जब जाता है, और जब चूहिया ट्रैवल करती है घर के अंदर, ट्रैवल बहुत एयरप्लेन में जाना है उसे, वो जब वॉक करती है जहाँ भी घूमती है ना, तो कभी ना कहीं वो उसके ऊपर तो आएगी, हाँ उसी लोकेशन पर लगाना है जहाँ पर वो जा रही आती जाती है। और वो हमें लोकेशन पूरी अच्छी तरह से पता है क्योंकि हम बहुत बड़ी ट्रैप बुक यूज़ करते हैं, और वो तो पहले की बात है 3-4 साल पहले कि केज उन्होंने खोली थी, फिर हम ये लेकर आने लगे थे। और मैं आपको आज ही बताऊँगा कि वो उसके ऊपर आकर चिपक जाती हैं, चुना जाती है और फिर जाके उस पर खड़ी जाती हैं, और ये मक्खी नॉनसेंस वो उसके ऊपर चिपक जाती है। और फिलहाल काका मेरे पीछे और हैरी और नूर वहाँ पे गप्पे लड़ा रहे हैं, और क्या कह रहा था कि चिपक जाती हैं एंड सभी वो खड़ जाती हैं, एंड फिर जो चिपकी रहती हैं और उसके साथी भी उसके साथ उसे बचाने आते हैं, इतना फिल्मी सीन ही होना भी, वो भी ट्रैवल करती हैं और दो चिपक जाती हैं। फिर उसमें कैपेसिटी पता नहीं कितनी है, मुझे नहीं पता उसका साइज़, मैं आपको बता दूंगा। और ये ऊपर तोते बोल रहे हैं पैरट्स, तो उनका साइज़ नहीं मुझे पता, मैं आपको दिखाऊंगा। और वो चिपक जाई मुड़के कह रहे हैं, फिर बाद में, बड़ी पंजाबी का वर्ड है, बाद में उन्हें किसी कोई टोंग टाइप चीज़ के, जैसे चिमटा होता है या चिमटे का नहीं, वो तो रोटी वाला होता है, वो अलग हमने बनाया हुआ लोहे का शायद, और उससे पकड़कर चूहे को निकाल दो, फिर वो अच्छी तरह से ट्रैप होती है, फिर निकाल दो, फिर एक बार ही नहीं आती पर वो केज ज़रूर खोल लेती है, इसलिए हम वो ग्लू वाला ट्रैप बुक यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा, और फिलहाल हमारे पास है अमरिंदर जिसको मैं ऐसे खींच कर लेकर जा रहा हूँ, जो कि पुल कर, तो देखते हैं और क्या क्या करना है। टैनी मिली थी और इसका मैंने स्केलेटल वाला मस्कुलर सिस्टम अलग कर दिया, तो आप भी देख लो, अच्छा लग रहा है यार। खाल सी उतर रही थी, सूखी टाणी थी या ग्रीन, अरे सूखी कह रहा हूँ, और ग्रीन भी नीचे गिरी पड़ी थी, मैंने तोड़ी नहीं है और प्लांट को हार्म नहीं किया है। और पीछे एक ट्रक इतना जोर जोर से चिल्ला कर लंगर रहा, कह रहा हूँ चला जा रहा है, और ट्रैक्टर भी, जब वीडियो बनानी होती है ब्लॉग शीट करने तभी इतने ऊँची हॉर्न बजते हैं। और काका भी मेरे साथ है जो कि है पीछे ये रहा, और ये दिखाना था मैंने आपको बैठा, और अमरिंदर नहा रही है, और फिर अभी उसके कपड़े पहनते हैं, फिर हम चलते हैं घर के ऊपर। तो गाइस आज हम फिर से ऊपर पड़े हैं, हम इसके अब ऊपर ही सोया करेंगे क्योंकि ऊपर अच्छा होता है, ठंडा ठंडी हवा आती है। और इधर लगाया कूलर, और मेरी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही होगी तो सॉरी, क्योंकि कूलर मुझे बंद करना पड़ेगा, फिर चलाना पड़ेगा। और नूर के साथ आज फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि वो जैसे आप देख रहे वो कैमरे की तरफ कैसे उभर के आ रहा था, वो तो वो वैसे ही आता है और वो हर एक वीडियो में होता है। और अभी हैरी आ रहा है डाल कर, और बस सब मैं ब्लॉग यहाँ पे एंड करूँगा और सो जाएंगे अभी हम। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।